क्वेश्चन नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 करूंगा। चलो नाज़रीन शुरू करते हैं। 5x की 2 की पावर 3 है डिवाइडेड बाय 5 की 2 ब्रैकेट की 3 है, इसको हमें सॉल्व करना है। यानी कि 5 की 2 पावर की फिर पावर 3 है, और यहाँ पे पावर की 2 है, फिर ब्रैकेट है और फिर 3 है। इनमें डिफरेंट क्या है, हमें उसको सॉल्व करना है कि इनमें डिफरेंट क्या आ रहा है। यानी कि 2, अब यहाँ पे अगर 5 की 8 आएगा, 5 की 8 आएगा, 5 की 8 इसलिए आएगा क्योंकि 2 को जब हमें 3 में मल्टीपल करना तो वो 8 बनता है। आगे डिवाइड आएगा और यहाँ 5 की 6 आएगा, 5 2 3 से 6 आएगा। अब यहाँ पे 5 की यहाँ पे 8 कैसे आया उसको मैं बताता हूँ आपको कि 8 कैसे आया। अगर ब्रैकेट में होगा तो सिंपली 5 मल्टीपल होगा, और अगर दूसरा होगा तो 2 को 2 से मल्टीपल, 2 को 2 से मल्टीपल 3 बार करेंगे। यहाँ पे देखो 2 की पावर 3 थी तो हम 2 को 3 बार लिख लेंगे। 2 को 2 से मल्टीपल 4 आ गया, 2 को 2 से मल्टीपल किया तो 8 आ गया, 2 2 था 4 और 2 था 8 आ गया। इसी तरह हम लोगों ने इसको किया तो 8 आया, और आगे देखें और यहाँ पे किया 2 3 का 6 किया, 2 3 का 6 आ गया। इसी तरह 8 और 6 आया, आप देखें 2 3 का 6 आ गया। अब आगे देखें 5 8 की वैल्यू आ जाएगी और डिवाइड, ये भी डिवाइड की अलामत है, और 5 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है कि नीचे वाली रकम को ऊपर लेके जाना, तो नीचे वाली रकम जब ऊपर जाती है तो वो माइनस हो जाती है, माइनस 6 आ जाएगा। यानी कि 5 में से 8 में से 6 माइनस कर देंगे तो 2 बच जाएंगे, और ये 2 2 का 25 आ जाएगा, और ये आ गया आंसर। यानी कि 5 को 5 से मल्टीपल किया तो 25 आया, यानी कि 5 को 2 बार मल्टीपल करने से आया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि x की पावर दी हुई 3 और अंडर रूट के ऊपर ब्रैकेट के ऊपर 2 दिया हुआ है, और यहाँ पे x की पावर दी हुई 3 और पावर की भी पावर दी हुई है। मैंने पहले बताया जो इसकी पावर की पावर होती है उसको हमने उतनी बार मल्टीपल करना होता है। अब यहाँ पे 3 2 का 6 आ जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट के ऊपर है, जो मल्टीपल सिंपल मल्टीपल करते हैं यहाँ पे वही मल्टीपल आएगा। 2 3 का 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3 को 3 से मल्टीपल करने से 3 3 का 9 आ जाएगा, 2 3 का 6 आएगा और 3 3 2 का 9 आ जाएगा, 3 3 का 9 आ जाएगा, और ये वही सिंप्लीफाई होगा, x की 6 आ जाएगा और ये x की पावर नीचे आ जाएगी, यानी कि x की 9 आ जाएगी, और देन वैसे ही आएगा जैसे पहले किया, 6 ऊपर ही रहेगा और 9 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। यानी कि माइनस का तो माइनस ये आ जाएगा, 6 में से 9 माइनस किया तो बड़ी रकम साथ माइनस 9 है, इसलिए माइनस 3 लगेगा, माइनस 3 आ गया। उसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 ओवर x की 3 लिखेंगे, यानी कि उसको नीचे ले जाएंगे। अब ये आ गया आंसर।